और उधर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज सभागार में द्विभाषीय अर्धवार्षिक शोध पत्रिका स्पातिका का विमोचन डॉक्टर सी भास्कर राव ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी मौजूद थे। देश के विभिन्न विद्वानों के शोध पर आधारित लेखों को अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित कर देशवासियों को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने वाली स्पातिका पत्रिका का पहला संस्करण बाजार में आ गया। इस संबंध में पत्रिका के संपादक अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पत्रिका सभी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में सहयोग देगी। पत्रिका है, रिसर्च जर्नल इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो सिक्स्थ पे कमीशन की घोषणा की है, सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही है उसमें शिक्षकों के प्रमोशन के लिए भी उनके शोध पत्रों का प्रकाशित होना अनिवार्य है। इसके अलावा जमशेदपुर में चूंकि उच्चतर शिक्षा का माहौल थोड़ा कमजोर था, इसलिए कोऑपरेटिव कॉलेज के हम कुछ शिक्षकों ने मिलकर के शोध पत्रिका को प्रकाशित किया है। और हमारा उद्देश्य है कि जैसे इस्पात किसी भी अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह स्पातिका साहित्य और शोध के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें, हमारी यही कामना है। और यह शोध पत्रिका का आज विमोचन समारोह है। मुख्य अतिथि के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बड़े बड़े विद्वान हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और यह पत्रिका जल्द ही बाजार में लोगों के सामने देखने के लिए।